हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे अपने मैथ्स के क्वेश्चन जो जूनियर लेवल के क्वेश्चन हैं और हमारे पेपर में आ चुके हैं। तो ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैं आपके सामने लेके आया हूं और ये है आज का सीरीज नंबर 12। ठीक है, 12 नंबर सेट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 55 का पूरक कोण बताइए क्या होगा। तो पहले आपको जानना पड़ेगा पूरक कोण क्या होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको यही नहीं पता कि पूरक कोण क्या होता है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, पूरक कोण जो होता है, पूरक कोण इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है आपका, ये कितने बराबर होता है, ये होता है 90 के बराबर। ठीक है, अब आप देखिए, साथ ही में इस क्वेश्चन को भी मैं बता रहा हूँ संपूरक कोण। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि 125 का संपूरक कोण बताइए, तो संपूरक कोण इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180। अब आप कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कैसे याद करेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है। अब मान लीजिए पेपर में आपको भूल जाए संपूरक पूरक, दो ही एक ही वर्ड का डिफरेंस है, तो यहां पे मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखेंगे। सी से होता है कॉम्प्लैन, क्या होता है कॉम्प्लैन। ठीक है, कॉम्प्लैन जो छोटे बच्चे पीते हैं, कौन पीते हैं, छोटे बच्चे भैया, यानी कि छोटा एंगल यानी कि 90। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल, ये जो है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि जब हम लोग जिम जाते हैं बॉडी वॉडी बनाने के लिए तो हमें क्या दिया जाता है, प्रोटीन, जिसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट कौन यूज करता है, बड़े बच्चे। तो बड़ा एंगल यानी कि 180 डिग्री, क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों चीज आप याद रख लीजिए, कॉम्प्लैन यानी कि छोटे बच्चे, छोटा एंगल, सप्लीमेंट्री बड़े बच्चे यानी कि बड़ा एंगल 180। अब देखिए, पूरक कोण हम कैसे निकालते हैं 55 का, तो हम कुछ नहीं करते हैं इसमें, सिंपल सा हम क्या करते हैं, 90 में से हम क्या माइनस कर देते हैं आपका 55। क्या कर देते हैं, 55। तो 90 में से हम 55 को घटा देंगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पे आप ऐसा करके देखिए, ये सिंपल सा 90/55, जीरो में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे एक कैरी से दे दिया तो यहाँ पे बचा 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 30। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 35 डिग्री। क्या आ जाएगा, 35 डिग्री। और ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 35 डिग्री। उसके बाद हम आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पे, यानी कि 180। तो मैंने आपको बताया था क्या, कि हम जब संपूरक निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 180 डिग्री में से हम क्या माइनस करेंगे, 125। क्या करेंगे, 125। अब आइए देखते हैं क्या आता है, 180 आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे लीजिए 125, यहाँ से क्या आएगा, जीरो में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5। और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 55। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 55। तो संपूरक कोण हमारा क्या होगा, 55 डिग्री। क्या होगा, 55 डिग्री। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए हमने कितने सिंपल तरीके से इस छोटे से क्वेश्चन को कर लिया है, और ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया तो हो सकता है आपको कभी भूलेगा। तो आइए देखते हैं, अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो एंगल से ये क्वेश्चन है, फिर से किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपने लिखा हुआ है किसी रिजु रेखीय कोण, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि रिजु रेखीय कोण क्या होता है, ये होता है आपका रिजु रेखीय कोण, यानी कि जिसका वैल्यू हो 180 डिग्री। क्या हो, 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, रिजु रेखीय कोण। क्या है, रिजु रेखीय
तो यहाँ पे उसके बाद हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपल सा। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से पूछा है कि 180 का 0.2 गुना कितना होगा, तो हमने यहाँ पे लिया 180 इंटू 0.2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 18 गुना कितना होता है 36, ठीक है। और एक जीरो यहाँ पे, तो एक जीरो हमने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक पॉइंट पे एक संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, तो एक संख्या के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 36 डिग्री। कितना आ गया 36 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी जो पुरानी वीडियोस की 11 वीडियोस मैंने अपलोड कर चुकी हैं, वो वीडियो आप जाके वहां से देख सकते हैं। एंड फाइनली वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और लोगों को बताइए कि यहाँ पे भी मैथ की पढ़ाई हो रही है। एंड फाइनली वीडियो देखने के थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए।